आखिर क्या है तिरुपति मंदिर की रहस्यमयी कहानी, आखिर क्या है इसका पीछे का इतिहास, और ये यहाँ पे बालों का दान क्यों दिया जाता है, और साथ ही ये कहाँ स्थित है, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहे और इसमें पूरी जानकारी तिरुपति मंदिर के बारे में मिलेगा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो चलिए आज इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तिरुपति बालाजी की वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। साथ ही भगवान बालाजी को हिंदू भगवान श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। भक्त वेंकटेश्वर तिरुपति टिम्पल या गोविंद जैसे विभिन्न नामों से पूजा की जाती है, और साथ ही देवता एक ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति में बदल गया, क्योंकि यह मानव जाति की मुक्ति के लिए पवित्र सात पहाड़ियों पर रहने की उनकी इच्छा थी। और साथ ही इसके पीछे की कहानी, तो भगवान वेंकटेश्वर जो वैकुंठ के निवासी है, देवी लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से लड़कर वह पृथ्वी पर अपना भेष बदल के आ गई थी, और विष्णु भगवान जल्दी से ही उनको पीछा करने लगे और उनको खोजने लगे, लेकिन उनकी सफलता असफल रही और वे माँ लक्ष्मी को नहीं खोज पाए। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भक्त अपने सिर के बाल यहाँ दान करवाते हैं। शायद ही दुनिया के ऐसे कोई मंदिर होंगे जहाँ पे लोग अपने बालों का दान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में भक्त अपने जितने बालों का दान करते हैं, भगवान उन्हें 10 गुना धन दौलत देते हैं। साथ ही बालों को दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी का भी बड़ी कृपा बनी रहती है। भगवान बालाजी द्वारा पहने जाने वाले बाल रेशम चिकने उलझन मुक्त है, जो कि बिल्कुल ही असली है। और इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है कि भगवान बालाजी पृथ्वी पर अपने शासन के दौरान एक अप्रत्यक्ष दुर्घटना के रूप में अपने कुछ बालों को खो बैठे थे, और साथ ही ये भी बताया जाता है कि बालाजी का चेहरा क्यों ढका है, तो बालाजी का चेहरा क्यों ढका है, उनकी आंखें क्यों ढकी रहती है, तो इसका उत्तर है कि महाप्रभु की मूर्ति माथ पर एक सफेद निशान पहनी होती है, जो कि इतना बड़ा है कि उनके आंखों को ढकता है, और साथ ही एक इस छोटे से हिस्से को देख सकते हैं। और इस प्रकार भक्त प्रभु की आंखों को केवल एक छोटे से हिस्से को ही देख सकते हैं, जबकि बाकी के ढका हुआ है, और इसलिए वे प्रभाव के कम से कम ढके रहते हैं। और वेंकटेश्वर को पवित्र मंदिर का उल्लेख गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण और कई अन्य पवित्र ग्रंथों में देखने को मिलता है। और साथ ही आपको बता दूं कि बालाजी के भक्त लहसुन प्याज और नॉनवेज खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भोजन ये सारे राक्षसों का भोजन होता है। और साथ ही भगवान हनुमान जी या बालाजी कभी भी ये भोजन को नहीं देखे, इसलिए वे चाहते थे कि मेरे मंदिर में आने वाले लोग कभी भी ये सारे चीजें नहीं खाएं और इसमें थोड़ा अपना ध्यान दें। और ये भी कहा जाता है कि 12 साल क्यों बंद हुआ था तिरुपति बालाजी मंदिर, तो बताया जाता है कि इस क्षेत्र में स्वामी के वास्तविक अस्तित्व के बारे में एक पौराणिक कथा पर एक दृढ़ विश्वास पाया जाता है। यह घटना ऐसे चलती है जैसे कि एक अज्ञात नाम के राजा था, जिसने 12 लोगों को एक अपराध के लिए मार डाला था और मंदिर के द्वार पर लटकाया दिया था, और उन्हें मंदिर के द्वार पर लटका दिया था, तो इसलिए मंदिर 12 साल के लिए बंद हो गया और स्वामी प्रकट हो गए। और साथ ही बताया जाता है कि इस मंदिर को प्रसाद को घर नहीं ले जाता है, और साथ ही सुगंधित या खाने पीने की चीजें भी घर नहीं ले जा सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से ऊपरी साया आप पर आता
क्या है, तिरुपति इतना अमीर क्यों है? तो बताया जाता है कि मंदिर द्वारा की गई आय भक्तों, व्यक्तियों और व्यवसायों और संस्थाओं द्वारा पवित्र देवताओं को दिए गए दान से ही इसे इतना अमीर माना जाता है। और साथ ही मैं बता दूं कि ये विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर के निवास की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ है और लगभग 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर में है। और साथ ही मैं बता दूं कि यह मंदिर वेंकटेश्वर जो कि हनुमान जी को भी समर्पित है। और साथ ही बताया जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम सीता की मूर्ति है जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहां हनुमान जी बाल रूप में मौजूद भी है। और साथ ही यह मंदिर कहाँ स्थित है तो मैं बता दूं कि यह मंदिर हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यहाँ पे दर्शनार्थी और मतलब भक्तों की भीड़ भी रहती है। और साथ ही मैं बता दूं समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ी पर बना है श्री वेंकटेश्वर मंदिर जो कि काफी आकर्षित है। ये तिरुपति स्टेशन से तिरुपति मंदिर 26 किलोमीटर की दूरी पे ही है। और आपको गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो सो कमेंट करके जरूर बताएं और आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब। जय तिरुपति बालाजी।